क्षण में है, किसी भी वक्त वो खबर आएगी। और जो हम लगातार न्यूज 18 कह रहा था कि मुख्यमंत्री खुद उस वक्त यहां मौजूद रहेंगे जब ये 41 मजदूर टनल के अंदर से बाहर निकलेंगे, तो यहां पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी छठी या सातवीं बार। इस बीच में उन्होंने लगातार कोशिशें की, सरकार के ऊपर एक बड़ा दबाव इस बात को लेकर था कि ऑपरेशन पूरी तरीके से सफल हो, इस ऑपरेशन में किसी तरह की रुकावट ना आए, कोई दिक्कत ना आए। हैदराबाद हो, इंदौर हो, मद्रास हो, दूसरे और गए हो, जहां जहां से हो सकता है वहां से यहां मशीन्स मंगवाई गई, एक्सपर्ट्स की राय ली गई। ऑस्ट्रिया, दूसरे जो यूरोपियन देश हैं, जहां जहां टनल का काम होता है उन सभी, नॉर्वे, उन सभी देशों से यहां जानकारी ली गई कि क्या कुछ इस टनल के ऑपरेशन के लिए हो सकता है, क्या यहां बेहतर हो सकता है। और अब ये फाइनल मूव 12 तारीख की सुबह 5:30 बजे के बाद, और आज मंगलवार का दिन 28 तारीख दोपहर के 3 बजने वाले हैं, तो 3 बजे से लेकर और 5 बजे के बीच जब 24 घंटे 5 बजे पूरे होंगे, तो उस कब वो मूवमेंट आएगा। और अब ये मुख्यमंत्री अंदर को बढ़ते हुए पूरी टीम के साथ, उनके साथ जो मीडिया टीम वहां पर मौजूद, और कुछ ही देर में ये तस्वीरें भी सामने आएंगी कि मुख्यमंत्री ने अंदर क्या कुछ और निर्देश दिए हैं। और क्योंकि ये पूरा ऑपरेशन एक प्लान्ड ऑपरेशन है, क्या सब कुछ यहाँ एक प्लान मूवमेंट के साथ होगा, पहला कदम क्या होगा, दूसरा कदम क्या होगा, और ये जो आखिरी कदम अब इस सफलता की तरफ है, उन 41 मजदूरों को बाहर निकालने की तरफ है, वो उस कदम के लिए खुद मुख्यमंत्री की मौजूदगी दर्शाती है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, पीएमओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम एजेंसीज, देश की बड़ी सुरक्षा एजेंसीज, देश की बड़ी रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाली एजेंसीज, देश में चाहे जो टनलिंग का काम करने वाली एजेंसीज हैं, कोल इंडिया हो, डीआरडीओ हो, ओएनजीसी हो, टीएसजीसी हो, सतलुज जल विकास निगम हो, वो सारी एजेंसीज का काम यहां पर देखा गया, परखा गया। लेकिन आखिर में वो 24 मजदूर जिन्होंने अपने हाथ से इस ऑपरेशन को सफल बनाया, पाइप पूरी तरह इंसर्ट हो चुका है, बस उस मूव का वेट है, जब वो पाइप उन मजदूरों से सामने होगा वो सीधे कनेक्ट कर पाएंगे और फिर वो 41 मजदूर बाहर निकलेंगे, तो पूरा मूवमेंट, पूरी सरकार, देश, दुनिया, सबकी नजरें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ यमुनोत्री हाईवे में, बड़कोट से लगभग 26 किलोमीटर दूर और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लगभग 50 किलोमीटर के दूर दूरी पर इस सिलक्यारा टनल पर टिकी हुई है। सिलक्यारा टनल जो टनलिंग के इतिहास में कभी भी भविष्य में कोई बात होगी तो हमेशा दुनिया भर में जब भी टनल बनाई जाएंगी, नई टनल जब भी बनाई जाएंगी, तो हमेशा सिलक्यारा एक ऐसा खुदाई का काम जो है वो लगभग पूरा हो चुका है। 17 दिन पहले ये जो मजदूर थे ये इसी टनल में फंस गए थे, 41 मजदूर जो थे वो अंदर फंस गए थे और जिंदगी की जंग जो है वो मजदूर वहां पर लड़ते हुए नजर आ रहे थे। हिम्मत नहीं आ रही उन 41 मजदूरों ने, और जैसे ही रेस्क्यू टीम ने जब कैमरा भेजा था सुरंग के जरिए मजदूरों की तस्वीरें लेने के लिए, तो पहली जो तस्वीर सामने आई थी मजदूरों की, जिसमें मजदूरों ने बातचीत की थी, वो तस्वीर राहत देने वाली थी। सुरक्षित मजदूर अंदर नजर आए थे और जिससे जो रेस्क्यू टीम थी उनका मनोबल बढ़ा। जो 17 दिन से यहाँ इंतजार कर रहे हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा तो जहां पर ये प्रशासन की गाड़ी खड़ी है वहां पर आप कुछ लोगों को देखेंगी तो वो बैग उनके हाथ पे है, उनके पीठ पर बैग्स है। ये 17 दिन से सिर्फ वेट कर रहे थे कि कब हमारे परिवार का मेंबर बाहर निकलेगा, कब हमारे परिवार के सदस्य बाहर निकलेगा, क्योंकि ये बैरिकेडिंग के अंदर गए। इस बात से ये साफ प्रूव है कि ये परिवार के मेंबर है, ये परिवार के सदस्य है, और इन लोगों का इंतजार भी आज खत्म होने जा रहा है।